हेलो एवरीबॉडी, डेली करंट अफेयर्स के हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर 2018। 12 अक्टूबर 2018 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर रोज़ की तरह हम डेली मैप प्रैक्टिस करते हैं। हम पर्टिकुलर एक लोकेशन लेते हैं वर्ल्ड मैप से और उस पर प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8604821934। आप टेलीग्राम और फेसबुक लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं ग्रुप से जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं हम आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन की। लास्ट डे मैंने क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। और टॉप थ्री आंसर जो दिया है वो दिया है शालिनी, आयुष और विवेक ने, और सबसे बेस्ट आंसर दिया है पूजा साहू ने। इन्होंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन के साथ इसका आंसर भी दिया कि अर्जेंटीना में ये हो रहा है और 6 से 18 अक्टूबर के बीच में होगा, और इट इज़ द फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड आउटसाइड ऑफ एशिया। एशिया से बाहर पहला समर यूथ ओलंपिक गेम है जो इस बार हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा आंसर है। इसी तरह से मैं आज भी लास्ट स्लाइड में एक टुडेज क्वेश्चन होगा, आप उसका जवाब दे सकते हैं, और जो भी है सबसे अच्छा जवाब देगा उसका नाम मैं इस वीडियो पर जरूर लूंगा। बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर्स की तरफ। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन आर 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। सही जवाब है 11 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ये इंटरनेशनली मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये इस बार का 6वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 6वां, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया गया इस साल वो कौन सा उसका सेशन था, तो वो 6वां अंतर्राष्ट्रीय था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहली बार 2012 में मनाया गया था। और बेसिकली इसका काम क्या है कि लड़कियों की शिक्षा, पोषण और उनके कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और समाज में इक्वलिटी के लिए लड़कियों इक्वलिटी को जागरूक करना लड़कियों के प्रति, तो यही इसका बेसिक मोटो है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन किस देश ने विकसित की है। बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन ये विश्व की पहली बनी हुई है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आर अमेरिका, चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी तथा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के द्वारा ये विश्व की पहली बायोइलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित की गई है। ये एक तरह की दवा है जो कि एक वायरलेस डिवाइस के माध्यम से चलेगी, और इसको शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा, और एक ट्रांसमीटर के द्वारा हम शरीर के बाहर से इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा को शरीर में इम्प्लांट किया जा सकता है, और ये एक बायोडिग्रेडेबल डिवाइस है, मतलब ये अगर शरीर के अंदर है तो ये खत्म भी हो जाएगी। ये अगर आप इंसान मर जाता है तो अगर उसको दफना दिया जाएगा तो भी ये खत्म हो जाएगी। और इसका बेसिक यूज़ क्या करेंगे कि क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं के उपचार में ये काफ़ी सहायक होगी। ये बहुत ही बड़ी खोज है, बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन। कैन यू इमेजिन, बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन भी बना सकती है। तो अभी तो बहुत सारी खोजें बाकी हैं, और क्वेश्चन फिर से मैं दोहराता हूँ, पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन किस देश ने बनाई, तो वह है अमेरिका। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो इसका आंसर है अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी या फिर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। भारत का नया सॉलिसिटर जनरल, तो ऑप्शंस आर सी के दफ्तरी, रंजीत कुमार, तुषार मेहता, राजीव महर्षि। सही जवाब है तुषार मेहता। इसके जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सभी किसी न किसी हाई पोस्ट पर हैं या रह चुके हैं, मैं उन सब के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो नए सॉलिसिटर जनरल कौन है, दैट इज तुषार मेहता। ये आप इमेज में जो देख रहे हैं यही हैं तुषार मेहता। थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये हमारे देश के वरिष्ठ वकील थे और इन्हीं को ही सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। अभी सॉलिसिटर जनरल बनने से पहले ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। किसको हटाकर ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आंसर इज रंजीत कुमार। रंजीत कुमार को हटाकर ये सॉलिसिटर जनरल बने हैं। रंजीत कुमार ने दिसंबर 2017 में पद से इस्तीफा दे दिया था।
सॉलिसिटर जनरल प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अब केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी है तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि पहला सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पहला विधि अधिकारी जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में महान्यायवादी भी बोलते हैं। इनके सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति की जाती है। तो कौन है सॉलिसिटर जनरल अभी के? तुषार मेहता है। किसको हटाकर बने? रंजीत कुमार को। अब क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल आखिर है कौन? तो अटॉर्नी जनरल हमारे हैं के वेणुगोपाल। ही वॉज अपॉइंटेड बाई प्रणब मुखर्जी इन 2017। तो ये अभी 3 साल के लिए रहने वाले हैं और ये 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि ऑप्शंस बहुत सारे मैंने जो दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो पहला सी के दफ्तरी हैं, ये जो है ये पहले सॉलिसिटर जनरल थे, ठीक है। रंजीत कुमार कौन है? जो कि अभी तुषार मेहता से पहले सॉलिसिटर जनरल थे। तुषार मेहता अभी के सॉलिसिटर जनरल हैं। और यहाँ पर जो दिया है राजीव महर्षि, तो ये अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा राजीव महर्षि कौन है। ये अभी प्रेजेंट CAG हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू BCG रिपोर्ट 2022 तक दुनिया का 11वां सबसे बड़ा अमीर देश कौन सा होगा? ऑप्शन आर इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड सऊदी अरब। सही जवाब है इंडिया। खुशी की बात भी है। और इंडिया 2022 तक 11वां विश्व का सबसे बड़ा अमीर देश हो जाएगा। ये BCG रिपोर्ट है। तो BCG रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? BCG हर साल एक सर्वेक्षण करती है, उसमें ये अमीरी गरीबी के बारे में वो बताती है। तो अमीरी के बारे में हम जान रहे हैं वो कौन सा है, 11वां सबसे बड़ा कौन सा देश होगा 2022 तक, वो होगा भारत। BCG का फुल फॉर्म है द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। आने वाले समय में भारत की संपत्ति काफ़ी तेजी से बढ़ने वाली है और ये दिया किसने है? BCG, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जारी किया है। निजी संपत्ति के मामले में 2022 तक भारत दुनिया का 11वां सबसे अमीर देश बन जाएगा, निजी संपत्ति के मामले में। और इस तरह से वर्ष 2017 के मुकाबले, अगर 2017 की जो रैंकिंग थी उसके मुकाबले भारत की जो रैंकिंग है वो 4 पायदान बढ़ जाएगी। तो अभी क्या थी, मतलब 15वीं थी, 15वीं अमीर देश है 2017 के अनुसार। अभी क्या है, 2022 में क्या हो जाएगा, 11वें हम अमीर देश बन जाएंगे, 4 पायदान हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारतीय राज्यों में आए चक्रवातीय तूफान का नाम क्या है? अभी हाल ही में आप न्यूज अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक चक्रवात तूफान आया है जिसके कारण से काफी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है। उस चक्रवात का नाम क्या है? ऑप्शन आर ओखी, हुदहुद, तितली, कीवी। इसका सही जवाब है तितली। तितली चक्रवात आया है जिसके कारण से भारी नुकसान हुआ है दक्षिण भारतीय राज्यों में, बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, जहां बंगाल की खाड़ी है वहां से ही चक्रवात का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। काफी भारी मात्रा में तबाही मची हुई है वहां पर। अच्छा, अब यहां पर जो नाम है तितली, ये नाम देने की प्रक्रिया आखिर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, नाम देने की जो चक्रवात होता है उसको नाम देने की जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान और मालदीव। इन लोगों ने एक नाम की लिस्ट बनाकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन को सौंप दी। जब भी कहीं पर तूफान आता है तो बारी बारी से एक नाम को चुना जाता है। चूंकि इस बार नाम देने की बारी किसकी थी? पाकिस्तान की थी, इसलिए ये जो तितली नाम है ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए तूफान का नाम क्या रखा गया? तितली रखा गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं हम मैप ऑफ द डे की। आज का हमारा मैप ऑफ द डे है बिहार। ये देखिए, जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है बिहार। बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बिहार सन 2000 में झारखंड से टूटकर अलग हो गया था। अच्छा, अब बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिहार किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? तो वो है आंसर नेपाल। नेपाल के साथ बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। बिहार किन किन राज्यों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है भारत के? तो वो पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, फिर है झारखंड, फिर है आपका पश्चिम बंगाल और फिर है आपका सिक्किम। तो कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इतने इतने राज्यों के साथ
क्या कहते हैं, बिहार अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बिहार के बारे में और लेते हैं इंफॉर्मेशन, तो बिहार के गवर्नर हैं लालजी टंडन, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ की पॉपुलेशन वो है 9.9 करोड़। बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो भी क्वेश्चन में पूछता है, तो बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आपको आंसर मुझे देना है, अभी कुछ दिन पहले मैंने यूपी के बारे में बताया था, तो आपको बताना है कि यूपी में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आप आंसर कमेंट करिए। अच्छा, अब बिहार के बारे में थोड़ी सी हम इसके नाम की व्युत्पत्ति पे जाते हैं। तो बिहार संस्कृत और पाली वर्ड से मिलकर बना है। बिहार का बेसिक मतलब जो है वो विहार है, देवनागरी लिपि में इसको विहार बोला जाता है, और विहार का मतलब होता है अबोर्ड, मतलब निवास स्थान। बेसिकली जो बुद्धिस्ट थे वो इस रीजन में विहार करते थे, रहते थे और घूमते थे, इसी कारण से धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार। और ज्योग्राफी की अगर बात करें तो बिहार का जो क्लाइमेट है बहुत ही डाइवर्स है, बदलता रहता है, बहुत चेंजेस आते रहते हैं, कभी हॉट समर होगा, कभी कूल विंटर होगा, एकदम वही उत्तर भारत की पहचान है, उत्तर भारत में तो बिहार भी आता है। और बिहार का जो एक फर्टाइल प्लेन है, और इसमें जो गंगा रिवर है, और नॉर्थ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं गंगा रिवर में, तो वो है गंडक और कोसी, ये बेसिकली नेपालियन हिमालय जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और इस कारण से यहाँ पर ये जो कोसी नदी है, किसी जमाने में कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता था, तो ये अचानक से अपना रास्ता बदल देती है, और जिस कारण से अचानक से एक गांव सो रहा होता है और वहीं से नदी निकल जाती थी, वहाँ बाढ़ आ गई, पता चला वो गांव पूरा डूब गया, तो वो कोसी नदी के कारण ऐसा होता था। तो बिहार की ही कोसी नदी है जो कि नॉर्थ साइड से नेपालियन हिमालय से निकलती है। तो ये था बिहार के बारे में। अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है, वेयर इज नाइग्रा फॉल्स लोकेटेड? ऑप्शंस आर यूएसए, कनाडा, श्रीलंका एंड ब्राजील। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और साथ ही साथ इसके बारे में जो भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो आप दीजिए। जिसके भी आंसर सबसे अच्छे होंगे मैं उनका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप उसमें ज़रूर शेयर करिए। आज का दिन आपका इसी के साथ शुभ हो, आपने शुरुआत अच्छी की है, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।